एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका कौर पहाड़ी ब्लॉग्स में। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर 2 बजे से, क्योंकि आज हमने खाना वाना बनाया नहीं है। आज हम ऐसे ही पड़े हैं, नाश्ता करके सो गए थे, बारिश लगी थी। तो अभी मेरी बहन काफ़ी ज़्यादा जिद कर रही है कि दीदी समोसे खिला दे, समोसे खिला दे। 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा जिद कर रही है, तो मुझे आज समोसे बनाने। और उससे पहले मैंने आज काफ़ी पौधे लगाए, फूल लगाए मतलब, और दिखा दी मैं आपको। आप बने रहिए ब्लॉग में। ये देखिए दोस्तों, एक ये मैंने लगाया है गेंदे का फूल, और ये मेरे फूल खिले हुए हैं, और ये बड़ा वाला गेंदा है, और ये देखो ये वाला फूल भी है मेरे पास। और मैंने आज लगाई ये इतनी स्ट्रॉबेरी, और एलोवेरा है, ये तुलसी। और आज का मौसम दिखा देती हूँ मैं आपको। आज का मौसम हो रहा है कुछ इस तरह से, बादल छाए हुए हैं। सुबह तो बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी, लेकिन अभी रुक गई है, तो बढ़िया मौसम हो रहा है। तो चलिए अब करते हैं समोसे बनाने की तैयारी। उसमें भी मुझे वो समोसे का आटा, मैदा गूंथना होगा और बहुत कुछ करना है। तो मैं देखती हूँ कि कैसे बनते हैं मुझसे समोसे, तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। यहाँ पे आलू उबालने के लिए रख दिए गए हैं, ये रखे हैं मेरी सिस्टर ने, क्योंकि वही काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है मुझे समोसे के लिए। तो हम सबसे पहले जाते हैं मिर्ची के खेत में, हरी मिर्च उठा के लाएंगे। हम बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जी का बनाएंगे, जैसे कि घर के आलू, घर की मिर्च, सब कुछ पुदीना वगैरह डाल के। और ये हमारे खेत में अभी मिर्ची हो रही है, काफ़ी मस्त, मतलब बहुत तेज़ मिर्ची होती है, लगती है ये। अच्छा? ये देखिए बहुत तीखी। अच्छा। और ये कंकाल तंत्र है इसका नाम वैसे। तो दोस्तों मैं बताऊँ आपको कि मैंने इसका नाम क्या रखा हुआ है। आप ये देखो, कहा ये इसका नाम मैंने इसका नाम मैंने रखा है हैंगर। मेरी कमजोरी का फायदा उठा रही है। इसका नाम मैंने हैंगर रखा हुआ है। तो तोड़ते हैं मिर्च। तो तोड़ते हैं हरी हरी मिर्ची। तो गाइस, पुदीना तोड़ने का कार्य बारिश ने मेरे को सौंपा है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी से तोड़ के दीदी को देती हूँ। तो दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह बहुत तेज़ बारिश होती है, अभी धूप आई शाम के वक्त, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और ये मैंने मैदा गूंथ दिया है समोसे के लिए, आलू पक रहे हैं, और इसमें काटी है मैंने हरी मिर्ची और पुदीना काटा है। मैं आलू पकने के बाद देखती हूँ किस तरह से बनाती हूँ, बनते नहीं। मुझे लग रहा है आटा बहुत ज़्यादा गीला हो गया है, अब गीले आटे की तो पॉसिबल नहीं है बनना। लेट्स सी क्या होता है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, दिखाऊंगी आपको कैसे बनाती हूँ समोसे। मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको। दोस्तों आलू भी उबल गए हैं, आलू छीलने की जिम्मेदारी मैंने हैंगर को दे दिया है। अभी इतनी भयंकर धूप लग गई है ना, आँख भी नहीं खुल रही है तो मेरी तो धूप में। और मेरे जो अभी मैंने फूल लगाए हुए थे वो भी मुरझा गए, आपको दिखा दें। ये देखो ये बेचारा मुरझा के ऐसा हो गया है, ये पहले लगाया हुआ था, यहाँ पर टूट गए थे तो मैंने दोबारा लगाया, और ये तो दिख भी नहीं रहा है, ये ऐसे मुरझा गया है। और यहाँ पे मैंने फूल के साथ एक कलाकारी की है, ये देखो। अब कुछ लोग इसे एडिटिंग बोलेंगे। अब देखो ये है गेंदे का फूल, लेकिन इसमें ये सदाबहार वाला फूल लगा है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता है इस फूल का, ये वाला फूल। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये मसाला भी बना दिया है आलू का। इसमें मैंने डाला है हरा पुदीना और हरी मिर्च, और मसाले वगैरह डाले हैं। सारी मशक्कत तो मैंने करनी पड़ती है, सारा काम मैंने करना पड़ता है, बस खाते समय फिर मन ही नहीं करता, थकान लग जाती है करते करते। और इसमें जैसे जूली आस लगी रहती है ना, वैसे आस लगी कि कब बने कब खाऊं। तो दोस्तों समोसा क्वीन ये है, ये बना रही है समोसा। इतने हमने बना दिए हैं, टेढ़े मेढ़े जैसे भी हैं, नहीं तो सीधे हैं। हाँ ये, हाँ इसके बनाए हुए सीधे हैं, मेरे टेढ़े हैं, बस यही कहना चाह रही है ना तू। अब तलने की बारी आ गई है, तेल भी गर्म हो चुका है, मैंने कढ़ाई में रख दिया है तेल, ये देखो हो चुका है तेल गर्म। तो दोस्तों मैं समोसे तलने लग गई हूँ, ये देखो पहले वाले समोसे तो मेरे जल गए थे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये पहला जल गया, और ये बेलते जा रही है और खाते जा रही है, पता कैसा हुआ है। और ये मुझसे कह रही है कि तुम एक ढाबा खोल ले, ढाबा देखते हैं ढाबा खोलते हैं कि क्या खोलते हैं। प्रियंका कुंवर ढाबा ना, प्रियंका दा ढाबा। तो बना रही हूँ, देखते हैं कैसे होते हैं, देखने में तो सही लग रहे हैं टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े नहीं है सीधे हैं, ठीक है।
गर्मी भी बहुत हो रही है, जो मैंने बनाया वो सीधे हैं। तो दोस्तों समोसे बन के हो गए हैं रेडी, आफत भी काफ़ी ज़्यादा आ गई है मेरी तो, और ये सब लास्ट वाला समोसा तो फूट भी गया था। ये देखिए टेस्टी से समोसे। अब इसके लिए इनके लिए बनानी है हमें खट्टी खट्टी पुदीने की चटनी। बिना चटनी के तो समोसे का स्वाद ही नहीं है, तो हम बनाएंगे अब चटनी पुदीने की। तो एक समोसा टेस्ट किया, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है और वो तो नाच रही है एकदम से खुशी के मारे। तो अभी हमें पुराने घर भी जाना है, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, बने रही आप ब्लॉग में।